दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बेहतरी का सिलसिला जारी है। सोमवार को जारी कोरोना बुलेटिन में संक्रमण की दर 20% के नीचे पहुंच गई। हालांकि सरकार का कहना है कि आंकड़े बेहतर होने के बावजूद तैयारी जारी रहेगी। रविवार के बाद सोमवार को भी दिल्ली में कोरोना बुलेटिन ने राहत दी। लगातार न सिर्फ संक्रमण के नए मामले कम हो रहे हैं बल्कि संक्रमण की दर में भी गिरावट रिकॉर्ड की गई। सोमवार को जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 12,651 नए मामले सामने आए, जबकि 13,306 लोग कोरोना से ठीक हो गए। इस बीच संक्रमण की दर भी 20% से नीचे 19.10 पर आ गई, पर कोरोना से मौत के आंकड़े एक बार फिर 300 को पार कर गए। 24 घंटे में कोरोना से 319 मरीजों की जान गई। दिल्ली में आंकड़े तो ठीक हो रहे हैं पर सरकार इसे सहज स्थिति नहीं मान रही। दिल्ली कोरोना बुलेटिन के मुताबिक एक्टिव मामलों की संख्या भी अब 85,000 के आसपास पहुंच गई है, पर ये आइसोलेशन में अभी भी 52,000 से ज्यादा मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अभी तीसरी लहर का पता नहीं, इसलिए सजग रहना है। ये लगातार छठा दिन है जब दिल्ली में कोरोना के मामलों में बेहतरी दर्ज की गई है, पर अभी भी कोरोना से मौत चुनौती बनकर खड़ी है। टोटल न्यूज़ के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।